इटालियन मोटरसाइकिल ब्रांड मोटो मोरिनी ने दो बाइक्स के साथ अपने भारतीय सफर की शुरुआत की है। पहला एक फ्लैगशिप मॉडल मोटो मोरिनी एक्स केप है, जो दो वेरिएंट्स में आया है। इसमें 650 cc पैरेलल ट्विन इंजन लगा है, जो तकरीबन 60 bhp और 54 nm बनाता है। एक्सकेप 650X को 19 इंच और 17 इंच के वायर्ड स्पोक पहिए मिले हैं, जिनके साथ पिरेली स्कॉर्पियन रैली ट्यूबलेस टायर्स दिए गए हैं। मार्जोकी का सस्पेंशन आगे और पीछे पूरी तरह से एडजस्टेबल है और ब्रेकिंग के लिए ब्रेम्बो के यूनिट हैं, बंद होने वाले ऑफ रोड ABS के साथ। कुल मिलाकर एक्सकेप शानदार दिखती है, लेकिन एक एडवेंचर बाइक होने के नाते ये काफी भारी है, यानी इसका वजन है 235 किलो। वहीं बाइक की पतली सीट आपको आराम देती है। चलते वक्त एक्सकेप बिल्कुल निराश नहीं करती, पावर डिलीवरी डराती नहीं है और सस्पेंशन, टायर्स और ताकत ऑफ रोड करते वक्त बेहतर अनुभव देते हैं। एक्सकेप अपने सेगमेंट में भारत की सबसे बढ़िया बाइक्स के रूप में सामने आती है। मोटो मोरिनी एक इटालियन ओरिजिन ब्रांड है। इंडिया डेब्यू में सबसे खास मॉडल होगी ये एक्सकेप मिड साइज एडवेंचर बाइक। राइवल्स में आप देखो तो मार्केट में आपको कावासाकी वर्सेस 650, सुजुकी वी स्ट्रॉन 650XT या फिर ट्रायम्फ टाइगर स्पोर्ट 660, लेकिन ये तीनों राइवल्स मोर रोड बायस टूरर्स है। खास बात एक्सकेप में ये है कि ये कम्प्लीटली ऑफ रोड केपेबल है। बहुत मज़ा आ रहा है सब चलाने में इसको। फुल्ली एडजस्टेबल सस्पेंशन फ्रंट एंड रियर, टायर्स प्रियली के ऑफ रोड स्पेक टायर्स, बड़ा लाजवाब है, कंट्रोल में रहती है। हाँ, बाइक भारी ज़रूर है, 235 किलो वजन है, लेकिन दिखने में जितना ऊंचा लगता है, सीट भी काफ़ी नैरो है, तो आप चलाने में इसको आपको तकलीफ नहीं होगी। ऑफ रोड खास तौर पर अगर आपको ऑफ रोड चलाने का शौक है तो काफ़ी मज़ा आया मोटो मोरिनी एक्सकेप चलाने में। खास बात ये होगी कि प्राइस कितना होगा, अब तक हमें मालूम नहीं प्राइस कितना होगा। 6 lakh 6.5 lakh के अंदर ये लॉन्च होती है, तो मेरे हिसाब से मिड साइज एडवेंचर सेगमेंट में अगर आपको एक एडवेंचर बाइक चाहिए जिसमें ऑफ रोड रियल ऑफ रोड कैपेबिलिटी चाहिए, तो आपको ज़रूर एक्सकेप एक बार टेस्ट राइड करना चाहिए। मोटो मोरिनी CMZO 6.5 के भी दो रूप हैं, एक रेट्रो स्ट्रीट मॉडल है और दूसरा स्क्रैम्बलर। इंजन टॉर्क और प्लेटफॉर्म वही है, लेकिन ताकत कुछ कम है। CMZO स्क्रैम्बलर में 18 इंच का अगला पहिया लगा है, सीट का कद भी कम है और ये एक्सकेप 650 से हल्की भी है। ऑफ रोड करते वक्त इस स्क्रैम्बलर ने बढ़िया क्षमता दिखाई। मोटो मोरिनी का दूसरा बाइक है ये CMZO 6.5 कहते हैं इसको, 650 cc पैरेलल ट्विन इंजन, जो आपने एक्सकेप में भी दिखा, सेम इंजन है, लेकिन इसमें 5 bhp पावर कम है, टॉर्क सेम है, लेकिन CMZO पूरे 20 किलो वजन एक्सकेप से हल्की है ये। और अगर आपको एक स्क्रैम्बलर लेना है, इसमें एक खास बात यह है कि फुल्ली एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलती है। फ्रंट में आपको 5-स्टेप रिबाउंड, 5-स्टेप कंप्रेशन डैम्पिंग फुल्ली एडजस्टेबल है, पीछे भी 3-स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन है। और अगर आपको ऑफ रोड चलाना है, आपको बड़ा एडवेंचर बाइक नहीं लेना है, तो स्क्रैम्बलर सेगमेंट में मेरे हिसाब से ये काफ़ी इंप्रेसिव प्रोडक्ट है। तो ओवरऑल नया ब्रांड है मोटो मोरिनी, हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा इसके मामले में आपको जानकारी नहीं होगी, लेकिन काफ़ी इंप्रेसिव दो प्रोडक्ट है दोनों, एक्सकेप और CMZO। बेनेली ब्रांड को भारत में बेचने वाली आदिश्वर ऑटो राइड इंटरनेशनल ही चाइनीज ब्रांड ज़ोंटेस को भारत लाई है। ज़ोंटेस को बाजार में मोटो वॉल्ट के हिस्से के रूप में बेचा जाएगा।
कंपनी एक ही 350 सीसी प्लेटफॉर्म पर 5 मॉडल पेश करेगी। हमने जोंटेस 350T एडवेंचर के साथ कुछ ऑफरोडिंग की। आदिसर ऑटो राइड इंटरनेशनल जाना जाता है बेनेली और कीवे जैसे ब्रांड्स के को लाने में, अब ला रहा है मोटो मोरनी और ये जोंटेस। चाइनीज ओन ब्रांड है ये, लेकिन इनका जोंटेस ब्रांड में 350 सीसी एक पूरा रेंज है। आपको एक नेकेड स्ट्रीट ट्रैकर मिलेंगे, आपको एक स्पोर्ट टूरर मिलेंगे, एक स्क्रैम्बलर मिलेंगे, और ये 350 TADV सारा सेम 350 सीसी प्लेटफॉर्म में है। हमने हल्का फुल्का चलाया है यहाँ ऑफ रोड एडवेंचर जोन में और फर्स्ट इंप्रेशन काफ़ी पॉजिटिव है। एक दो महीने में हमें बाइक्स मिलेंगे, आपको बताएंगे फुल इन डेप्थ रिव्यू करके कैसा है जोंटेस का नया मोटरसाइकिल रेंज। मोटो वर्ल्ड भारत में मोटो मोरिनी और जोंटेस ब्रांड्स के जरिए अपने कारोबार का विस्तार करेगी। मोटो मोरिनी एक्सकेप और सीएमएचओ 6.5 स्क्रैम्बलर के ऊपर भारत में इटालियन ब्रांड को लोकप्रिय बनाने का दारोमदार है और ये इस काम के लिए तैयार लगती हैं। सही कीमतें और बढ़िया सेल्स और सर्विस नेटवर्क के साथ मोटो मोरिनी भारतीय सवारों के लिए दो शानदार बाइक्स ला सकती है। दोनों ही खास हैं और अपने सेगमेंट्स में कुछ नया पेश करती हैं।